व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था हम कुछ मज़े मज़े की चीज़ें करने जा रहे हैं आने वाले ब्लॉग्स में, तो वो टाइम आ गया है। मैंने लास्ट वीक कुछ दिन पहले ट्रैवल किया था इस्लामाबाद टू नारान, और जिसका ब्लॉग मैंने आपके लिए बहुत ही मज़े मज़े के सीनिक व्यूज़ और बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ इन आने वाले नारान ब्लॉग्स की सीरीज़ में। ये 2 से 3 ब्लॉग्स की सीरीज़ होगी, जिसमें मैं आपको day 1 से लेकर लास्ट डे तक, जहाँ जब तक हमने वहाँ स्टे किया, क्या क्या एडवेंचर्स किए, क्या क्या मज़े किए, क्या क्या फ़न किया, एवरीथिंग आई एम गोना शेयर इन दिस ब्लॉग। सो स्टे ट्यून विद मी, मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। इफ़ यू लाइक दिस डू गिव इट अ थम अप, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस ब्लॉग को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही अमेजिंग किस्म का ये ब्लॉग है, बहुत ही अमेजिंग किस्म की सीनिक व्यूज़ आपको इसमें देखने मिलेंगे। इतना खूबसूरत हज़ारा मोटरवे, सीरियसली जितना नारान का स्टे हमने इंजॉय किया, उससे ज़्यादा ये जो हज़ारा मोटरवे का ट्रैवल था, 2 to 3 आवर्स की जो ड्राइव थी, इसको हमने बहुत ही इंजॉय किया। तो रहे मेरे साथ, चले चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। बंदे को उठाया है ये बंदा जो है ना, इसने हमें लेट करा है। दिस ह्यूमन बीइंग, क्या नाम है? दिस इंसेन ह्यूमन बीइंग। ये साहब उठ के ही नहीं दे रहे थे जाने के। ये है हज़ारा मोटरवे, जिसका मैंने आपको इनिशियली बताया था ये दुनिया की आई थिंक खूबसूरत तरीन मोटरवेज़ या हाईवेज़ में से एक है, क्योंकि इसके लेफ़्ट राइट सारी जो है वो नेचुरल ब्यूटी है, ह्यूमन मेड कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई ये अभी तक तो बहुत खूबसूरत है। रिसेंटली ये ओपन हुई है टूरिस्ट के लिए। इससे आगे हमने कैसे कैसे हर्डल फेस किए नारान पहुँचने में, और क्या क्या किया वो मैं आगे बताऊँगी। अभी मेरे साथ आप हज़ारा मोटरवे की सैर करें। बहुत ही खूबसूरत ये कोई मोटरवे है, और इसकी सीनिक व्यूज़ भी बहुत खूबसूरत है। ये एब्राबाद और हवेलियाँ को क्रॉस करके मानसहरा पे जाके जो है ना बाईपास कर देगी सारे शहर को, और मानसहरा जाके ये ख़त्म होगी। नारान का रास्ता है जैसे हाफ वे थ्रू रह जाता है, देख सकते हैं। नाश्ता करेंगे हम वहाँ चेहरा क्रॉस करके मोटरवे से उतर के, इंशाल्लाह उसके बाद अपना ट्रैवल कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स
पहले हम शोगरा रुकेंगे, शोगरा से आगे जो है फिर हम नारान जाएंगे। जिस जिसने नारान ट्रैवल करना है वो इस हज़ारा मोटरवे से ट्रैवल करें, और मॉर्निंग के टाइम पे इसकी ब्यूटी और भी खूबसूरत होती है। थोड़ा लेट हो गए निकलते हुए घर से, बट ये बहुत ही खूबसूरत मोटरवे बनी हुई है। मैं इसको इसलिए इतना ज़्यादा इसके क्लिप्स बना रही हूँ कि मुझे पर्सनली फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, और बहुत ही मज़े का बहुत ही खूबसूरत मोटरवे है। हमारे साथ रहिएगा बाकी ट्रैवल में भी, देखते हैं क्या क्या। ये एक और थर्ड टनल है मानसैरा मोटरवे पे, ये है 28 और बाकी 25-28 मीटर लॉन्ग है ये टनल। मज़ा आ गया मोटरवे पे, इतना मज़ा आ रहा, तो आगे कितने मज़े का मौसम होगा और कितने मज़े की चीज़ें होंगी एक्सप्लोर करने के लिए। रहे हमारे साथ इस ब्लॉग में, ट्रैवल ब्लॉग फ्रॉम इस्लामाबाद टू नारान। बीच में मोटरवे से उतरने के बाद मानसैरा से आग थोड़ा सा आगे आने के बाद ये एक एरिया आता है शाते का, और जिस पर ये रोड जा रही है जो कि टूवर्ड्स आपको मेन रोड पे निकालेगी। बहुत ही कंजस्टेड से रोड है, जब पीक डेज होते हैं तो आई थिंक के इधर बहुत रश होता होगा, इसको क्रॉस करना ही मुश्किल हो जाता होगा। बट पीछे का जितना ट्रैवल था वो बहुत ही स्मूथ था, मोटरवे भी बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। सो लेट्स सी ये कितना लंबा पैच है, इसको क्रॉस करने के बाद मैं आगे आपको बताती हूँ कि कितनी लंबी स्ट्रीट गली थी या रोड थी जिसको हमने इस तरह से ये बिल्कुल कंजस्टेड एरिया की फॉर्म में है। ये हम इधर 5 मिनट्स की ब्रेक लेने रुके हैं क्योंकि बच्चे बैठे बैठे और हम भी थक गए हैं, सो ज़रा सी रिलैक्स कर लें लेग्स और 2 मिनट वॉक कर लें एंड देन वी गो नाउ स्टार्ट ओवर ट्रैवल अगेन। बहुत ही सीनिक व्यूज है इधर के ना, वी आर एंजॉइंग अ लॉट। तो ये इतना खूबसूरत लग रहे हैं ना ये, देखें इसको बुड्ढी माई कहते हैं, ये पता नहीं क्या कहते हैं। हम तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर का पैच क्रॉस करके अब आ गए हैं इधर कॉर्नर पे रुके हैं। बच्चे गए थे इधर फोटोग्राफी करनी है, तो मैंने सोचा अपनी रिकॉर्डिंग कर लूँ। इतनी खूबसूरत ईच एंड एवरी व्यू हज़ारा मोटरवे पे एंटर होने के बाद यहाँ तक, वो देखें पीछे, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और वेदर इधर का बहुत ही अच्छा, मज़े का हुआ हुआ, ठंडा ठंडा, कूल कूल। देखें रोड ऑलमोस्ट सारी रोड ही जितना लास्ट 4 किलोमीटर का पैच जैसा था, अब इधर से लेफ्ट टर्न होने के बाद मेन रोड पे हम निकल जाएंगे। और आगे हमारा नेक्स्ट, हमने हंट करना है कोई स्पॉट जिधर हम ब्रेकफास्ट कर सकें। और फोटोग्राफी के लिए ये अमाद साहब भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं कि मैं फोटोग्राफी करूँ। हेलो जी, हाँ जी अजान साहब, बस हम एक रैंडमली स्पॉट पर रुक गए हैं नाश्ता करने के लिए, स्पेशल तो इधर अवेलेबल नहीं है, चाय पीनी थी और साथ में ब्रेड उठा ला ही थी कुछ घर से। बालाकोट ही क्या है, बालाकोट नहीं गिरा था, पेलोड गिरा था, धार से गिरा था। तो कह रहे हैं बीमार है, तो दूसरी साइड से थे वो, दूसरी साइड से आए थे।
पराठे भी मिलेंगे। सो हमने ऑमलेट ऑर्डर किया स्पून से या फोक से, और साथ जो कुछ है उससे खा लेंगे, चाय पियेंगे कड़क सी और फिर अपना करेंगे। शोगरा रोड पे, आई थिंक ये रोड इन्होंने तोड़ ही दिया, रोड तो बराए नाम है, तो एडवेंचर ही सही। जब इतनी गाड़ियाँ जा आ रही हैं वापस तो गई तो है ऊपर। कुछ देर हम शोगरा स्टे करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे नारान की तरफ निकलेंगे। रोड कुछ इस तरह से, जो लोग शोगरा आना चाह रहे हैं उनके लिए। एक्चुअली हमारा प्रोग्राम ये था कि हम जो है शोगरा थोड़ी देर रुक के फिर आगे नारान जाएंगे, बट नो, शोगरा की तरफ जो रोड जा रही है वो रोड तो है ही नहीं अब बराए नाम, वहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, कच्ची रोड है बिल्कुल, जिस पे गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल होता है। तो हमने कहा इतना ज़्यादा एडवेंचर करने से बेहतर है जो हम नारान जा रहे हैं वहाँ पर चलते हैं, वहाँ जाके इंजॉय करेंगे। तो हम शोगरा नहीं रुके और डायरेक्ट नारान की तरफ चल पड़े, और नारान के रास्ते में भी हुआ ये है कि जो नारान की स्ट्रेट रोड थी जो सीधे नारान को टच करती थी, वो फिलहाल कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ डैम्स की, और डिफरेंट टाइप की कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी वजह से वो जो है रोड इन्होंने बंद की हुई है, और दूसरी एक साइड से टेम्प्रेरी रोड निकाली हुई है, जिसकी वजह से नारान का ट्रैवल कम होने की बजाय, हज़ारा मोटे में मैंने आपको बताया था कि ट्रैवल हज़ारा मोटे में की वजह से कम हो गया है सिटी में, बट अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत टाइम लगा, 6-7 to 8 hours नारान पहुँचने में, जिसकी वजह से बहुत टायरिंग भी हो गया था, हम थक भी गए थे। हमारा प्लान था 2 दिन नारान रुकने का और मंडे को वापसी का, सैटरडे संडे स्टे करना था, कि हम अर्ली मॉर्निंग निकले भी इसीलिए थे कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन एनीवेज खैर, आगे हमने होटल क्या कि बुक किया, हम कहाँ पे रुके, क्या स्टे किया, वो अभी आप आगे वाली क्लिप्स में देखेंगे। हॉस्टल का स्टे बहुत ही अमेजिंग रहा, बहुत ही मज़े का था। ये अभी जितने भी आप क्लिप्स देख रहे हैं ये सारी वो हैं जो नारान के सराउंडिंग में कुछ डैम बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये है हमारा होटल, होटल का आउटर व्यू है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिप में आप जो है वो में हमारा रूम देखेंगे जिधर हमने स्टे किया था। इस होटल के चार्जेस आजकल जैसे कि 50% ऑफ सीज़न ऑफ है, तो इस पे 50% ऑफ हुआ हुआ था, और हमें बहुत ही रिजनेबल रेट्स में ये डबल रूम्स मिल गए थे, और कनेक्टेड रूम्स है डबल, क्योंकि हम लोग 5 फैमिली मेंबर्स थे, एक रूम में एडजस्ट हो तो जाते हैं, बट वी डोंट वांट के बच्चे भी वो तंग होके रहें और हम भी, तो हमने 2 रूम्स बुक किए थे क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था, 50% इट्स अ गुड, और होटल इटसेल्फ इज़ वेरी नीट एंड क्लीन टाइडी। ये हमारे होटल्स के रूम हैं, हमने ये रूम का ओवरव्यू है, मैं भी लाइट्स ऑन करके दोबारा से डिटेल में दिखाऊंगी, बिकॉज इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बेसिकली हो ये रहा है कि नारान के जो आप शोगरा क्रॉस करते हैं तो एक डैम की कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी वजह से जो है आगे का पैच बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हमारा ट्रैवल बहुत लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं। ये डबल रूम का एक अपार्टमेंट टाइप है, कनेक्टिंग है रूम्स टू, आप सिंगल भी ले सकते हैं, डबल भी, डिपेंड्स कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। आप इधर से जाएं, ये वॉशरूम है इसका, वॉशरूम में बाद में रखा है। अब ये तकरीबन रात के 9-10 बज रहे थे जब हम मैं और उमैर होटल से निकले हैं, क्योंकि अनाया हमारे साथ नहीं आना चाह रही थी, तो वी थॉट कि मैं और उमैर जाके खाना ले आते और सब हम होटल में ही खा लेंगे। बहुत शदीद किस्म की वहाँ पे ठंड हो रही थी, जैकेट्स पहनी हुई थी हमने, और बहुत ही मज़े का मौसम हुआ हुआ था। अनाया इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हुए थे, बच्चे भी, अमाद भी, मेरा भाई क्योंकि साथ गया था, अरजान भी, कि वो बेड से हिलने को तैयार नहीं थे, लेकिन खाना तो लाना था किसी ना किसी को, मैं और उमैर निकले हैं, लेकिन हमने फिर मार्केट से खाना नहीं लिया, कुछ समझ नहीं आया, ऐसी तरह राउंड लगा के चक्कर लगा के हम वापस होटल चले गए थे, और होटल जाके उनके रेस्टोरेंट से बहुत ही मज़े का हमने सूप ऑर्डर किया था, जो कि मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और उसके अलावा जो है बस दैट्स इट, ये था हमारा day 1 का ट्रैवल, जो कि हमने इस्लामाबाद से नारान पहुँचने तक का और रात तक का मैंने आपसे शेयर किया है। अब नेक्स्ट व्लॉग में 2nd और 3rd day हमने क्या किया क्या नहीं किया वो मैं आपको इसके part 2 में शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, गिव इट अ थंब अप, आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मेरे साथ मज़े मज़े के ट्रैवल ब्लॉग्स और डेली लाइफ ब्लॉग्स और रेसिपीज सीखते रहें। अनटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़। लॉन कॉटन का मौसम नहीं है।
बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रेश फीलिंग है। आपको जब कामों से ब्रेक मिल जाए, चीज़ से ब्रेक मिल जाए, वैसे ही आप रिफ्रेश फील करते हैं। सो सेम हैपनिंग विद मी। अभी हम रुके हैं इधर पानी वगैरह लेने के लिए, और खाना अब हम वापस, क्योंकि बच्चे होटल में ही थे, और इधर हमें कुछ मज़े का, मेरा दिल कहा था सूप वगैरह पीने का, कुछ नज़र नहीं आया जितने एरिया में हम जा रहे हैं। अब हम जाएंगे होटल और उधर जाके मज़े का कोई सूप या कोई चाइनीज़ खाना ऑर्डर करेंगे और वो खाएंगे। बस पानी वगैरह लेके वापस जा रहे हैं।